तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। देखिए, आज हम डेफन बेकिया की कटिंग को लगाएंगे। और डेफन बेकिया इस तरह का प्लांट होता है जो बहुत ही अच्छा इसका ऑर्नामेंटल लुक होता है, तो इसको हम बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसको हम नीचे से काट के, जैसे ही हमने काट लिया, ये देखिए, इसमें से हमने इस तरह से काट लिया है, ये देखिए, शार्प चाकू की सहायता से काट लिया है मैंने। और अब इसको चाहें तो हम आसानी से लगा सकते हैं। इसको हम डायरेक्टली गमले में गाड़ सकते हैं। और यदि हम इसके और भी टुकड़े करना चाहें, जैसे ये है, इसमें छोटे छोटे हम टुकड़े कर दिए, देखिए यहाँ से नोड है, तो यहाँ से नई ब्रांच निकल जाएगी। तो इसको छोटे 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 हम और भी 5-7 टुकड़े में काट के भी लगा सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। अभी जैसे हम इसको लगाएंगे और डायरेक्टली बिना इसके रूट के, तो लग जाएगा ये पौधा, और ऊपर की जो पत्तियाँ हैं ये इसकी धीरे धीरे सूख जाएंगी और नई पत्तियाँ इसमें आ जाएंगी। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से लगने वाला प्लांट है और बहुत ही ईजिली ग्रो होता है। इसमें खास किसी मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक छोटा सा प्लांटर है 6 इंच का, और इसमें मैं इसमें से कोई भी कटिंग उठा कर डायरेक्टली लगा दूंगा और वो ग्रो हो जाएगा आसानी से। तो ये छोटा प्लांटर है तो इसमें मैं छोटा ही लगाऊंगा। ये देखिए, ये थोड़ा छोटा है, देखिए इस तरह का है ये, और इसको मैं इसमें डायरेक्टली, ये देखिए जो मिट्टी है, मिट्टी में गार्डन सॉइल है, रेत है और वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा मिक्स है, और इसी में मैं इसको लगा देता हूँ डायरेक्ट। थोड़ा सा बीच में होल बना लेंगे ऐसे और लगा देंगे इसमें, तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा ये। और इसमें पानी बहुत ही कम देना रहता है, ये देखिए इस तरह से मैंने डीप कर दिया, लगभग 2 से 2.5 इंच इसको मैंने इसमें गाड़ दिया है। और ये देखिए, इस तरह से दबा दूंगा तो हमारा नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यही शेयर करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर। सी यू। टाटा। बाय बाय।